लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही तरीका है आपके माफी मांगने का? अपन तो माफी मांगने गया था साहब, मगर वो हरामजादी कुत्ते लोग समझते नहीं थे। अब बरखुरदार, मैं तुमसे माफी मांगू तो? इन लड़कों से ज्यादा अनुशासन पसंद और शांत कैदी मैंने नहीं देखे रुकनी। रात दिन तुम्हारा वतन वाला गीत गाते थे। मेरी चिंता न कर, मंजिल दूर है नामुमकिन नहीं। हाँ, सुना है जमींदार की पार्टी में अपने मंत्री महोदय आ रहे हैं। उस अकेल के पूरे को अभी से समझा दो रुक्मिणी, दादा ठाकुर से अनजान बना रहे, कोई बात ना करें। अरे भाई, हम क्यों बात करेंगे, हम तो सिर्फ देखेंगे। जॉली हेयर, सुना है कि त्रिपाठी आ रहा है। डॉक्टर डैंग चाहते हैं कि हमारा वाला नारियल उसे जरूर भेंट में दे दिया जाए। ओके सर, लेकिन आप कब आ रहे हैं सर? मैं पार्टी के अगले रोज आऊंगा। गुड लक सर। आप लोग किट्टम किट्टू की सभा में जा रहे हैं, उन दोनों को भी साथ ले जाओ। कोई काम नहीं है ऐसे जहलों का। वहाँ बिल्कुल जहाँ जाते हैं फसाद खड़ा करके आ जाते हैं। ऐसे लोगों को साथ ले जाना अपने आप को बेआबरू कराना है मुनिया ताई। यहीं रखो इनको अपने पास। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे वहाँ, इन जाहिलों को कुछ तमीज सिखाओ पहले तुम, फिर ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। हाय हाय, ये देखो तमीज वाले बन ठन के निकले हैं छैला बनकर। काश हमारी माँ जिंदा होती। माँ! अरे अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, आओ मेरे साथ। अगर वो खैरू को साहब बना सकते हैं तो मुनिया ताई तुम लोगों को लाड साहब बना सकती है। ये जॉली जग्गा की अलमारी है। कौन से इलाके का डाकू है? डाकू वाकू नहीं है, धर्मा का भाई है। जब भी विदेश जाता है ना तो कपड़े लत्ते यहीं छोड़ के जाता है। कपड़े लत्ते इसका क्या करें, बर्तन खरीदने क्या? मैं बताता हूँ। आज दिल्ली से विदुषम से बड़ा बड़ा लोग आया। धन्यवाद त्रिपाठी जी। God is great. त्रिपाठी जी, दिस एरिया बहुत शांति प्रिय। पूछिए दादा टैगोर से। देखिए, हम तो सरकारी काम से आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं। धन्यवाद। गांव का रिवाज, लड़की स्वागत। राधा వెనకాలన్న ఏమిటి ప్రసాదం? త్రిపాఠిజీ, మేరే బేటి రాధా, ఏ హిమాలయ సే సఫేద్ సాధు బాబా కా ప్రసాద్, అఘర్ కో లే జానా ఆప్నే దేవస్థాన్ పర్ రఖనా, బహుత్ అచ్చా సుఖ శాంతి। ఫోన్ కే చమచే నహీ ఆయా అభీ తక్। హౌ డు మీ జానీ ఝాసీ ब्रदर बजो बम्बई इज थैंक टू बी फनी नो फनी जॉनी जॉनी वेयर डू यू कम फ्रॉम या क्या बोल रही है? बोल रही है कि तो बड़ा सुंदर लग रहा है। थैंक यू दादा ठाकुर ने कहा है कि तुम दोनों यहां से फौरन रफू चक्कर हो जाओ। दादा ठाकुर से कहना कि हम लोग इसी कोने में रहेंगे, जरा भी लफड़ा नहीं करेंगे। नो दारू, नो मारामारी, नो गाली। लेफ्ट राइट। अबे मैं तेरे को कह रहा था मत दारू पी, मत दारू पी, अब ले मजा। माफी। Get up, you left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left. क्या left, right करिया? खुद तो दौड़ के बताए। Attention! दादा ठाकुर, देखिए कौन आया है, मेरा भाई। मैंने आपको बताया था ना, जिसने यूरोप में बहुत बड़ी तरक्की की है, जग्गा जॉली। गुड मॉर्निंग सर। भाई साहब बता रहे थे कि आप हमारे डैडी के लाहौर में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं, भाई थे बेटे, भाई। धर्मा जी,
ये वही तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना जिसके लिए तुमने जेल काटी थी। वही है जिसके लिए मैंने जेल काटी थी। ओए पांव छू। पायला में पांव छुआ तुम अपने राम जैसे बड़े भाई के जिसने तुम्हें जिंदगी दी। ये लोग कौन है? ये हमारे अफसर हैं बेटे जो इन जंगलों का मुआयना करने आए। तूफान की तरह आता है और हवा की तरह चला जाता है। सचिन जग्गा थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा होता। हाँ। बाबा जी जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अनजाने और बेगाने आदमियों को घर में रखना अच्छा नहीं है। अरे वो बेगाने नहीं अपने हैं। पापा जी आप बहुत भोले हो। मैं भोला ही सही पर वक्त बताएगा कौन अपना है कौन बेगाना। ये ले पाए लगे जी। जीता रहे। चलो बे जल्दी आना खाना वक्त पर खा लेना। तेरे को कितनी बार कहा है तू चौकी पे मत आया कर। अरे छुटकी रो रही थी बोली बाबा के पास जाऊंगी इसलिए मैं ले आई। जा बेटे घर जा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ घर जल्दी आ जाऊंगा। जा बेटा। ये चौकी यहाँ कैसे? हाँ साहब कुछ दिन पहले ही बनी है। वाह राणा वाह दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। इससे ज्यादा बहादुर देशभक्त नौजवान मैंने नहीं देखे। देखो नेता के बच्चे सुन लो खबरदार जो वहाँ कोई दगाई बजाई करके मेरी बीवी को परेशान किया तो। अब तो भगवान ही मालिक है भाई सबका। मैंने कहा ना मुझे बीवी से बात करनी है। अरे भाई मैं तो भाभी से तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। लो तुमसे बात करने को बहुत उतावला हो रहा है। हेलो रुक्मिणी। हेलो। हाँ देखो ये तो बिल्कुल निराशावादी आदमी है इसकी बातों में ना आना। ऑल फॉल बकता है। तुम कैसी हो सब कुशल है ना? हेलो। अरे कुछ तो बोलो रुक्मिणी। हेलो हेलो। हाँ समझ गए हम समझ गए। अरे ये तो तुम्हारी चूड़ियों की खनक है। हम क्या तुम्हारी चूड़ियों की खनक नहीं पहचानते? हाँ हाँ तुम पूछ रही हो कि हम कैसे हैं यही पूछ रही हो ना? बिल्कुल ठीक ठाक है एकदम अच्छे हैं। क्या कहा फिर से बोलो। अरे तुमको तो आठों पहर याद करते हैं जाने मन। ये भी कोई पूछने की बात है? डू यू लव मी इस उम्र में पूछे बीवी डू यू लव मी। बरसों से तो कहता आया आई लव यू बरसों से तो कहता आया आई लव यू आई लव यू। तीन बच्चों का बापू हूं पर नहीं। देखो देखो तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा हमारा यहाँ पे क्या हाल होगा? हिम्मत टूट जाएगी हमारी। ये मत भूलो देखो तुमने ही टीका लगा के हमको भेजा था यहाँ ये भूलना नहीं तुम। हम जल्द ही आएंगे रुक्मिणी और विजय होके आएंगे। राणा विश्व प्रताप इस्तीफा देने के बाद अपने बीवी और बच्चे को लेकर कहाँ निकल गया? अगर इसका पता चल जाए रैक्सन तो मजा आ जाए। लेकिन सर अब की बार त्रिपाठी बच गया। नेवर माइंड नेक्स्ट टाइम। ये कैदी यहाँ क्यों खड़े हैं? ये हमारे नए कैदी है सर। ये लोग यहाँ से सुरंग निकालने के काम से इनकार कर रहे हैं। स्टूपिड बॉयज। अरे बच्चों ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? देखो तुम हिंदुस्तानी बच्चे हो हिंदुस्तानी मजदूर हो एक छोटी सी सुरंग निकालने में तुम लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? और देखो हमारे पास कैदियों के लिए खास उसूल है। काम करोगे तो रोटी मिलेगी नहीं करोगे तो गोली मिलेगी। रैक्सन लंदन से आने वाली पार्टी से कह दो कि शाम को उन्होंने हमारे बहुत सारे अफसर या तो पकड़ लिए हैं या मार दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर हमें लहरिया के जंगल में जाना है तो सबको मिलकर जाना चाहिए। अब देखो ना बैजू कहां चला गया? वो तो आज सुबह से ही अपना टुनटुना बाजा लेकर कहीं निकल गया है। सुना टुनटुना टुन बैंजो और दीजिए अपने लाडले को बैंजो। तुम्हारा दीवाना बाहर बैंजो बजा रहा है।